इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायत राज की वैकेंसी के बारे में जो कि हैदराबाद की है। पर उसके बात करने से पहले फ्रेंड मेरा आपसे निवेदन है, आपने मेरे चैनल लर्निंग टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल लर्निंग टाइम को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दो जिससे कि आपको सबसे पहले लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब के बारे में पता चल सके। फ्रेंड्स मेरा फेसबुक पेज भी है तो प्लीज इसको जरूर लाइक करें जिसका नाम सरकारी तैयारी, जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उसको लाइक कर सकते हैं प्लीज। और इस वीडियो का एंड तक देखिए, रिक्वेस्ट है मेरी आपसे। फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं, इसमें आपकी सारी डिटेल को मैं बताने की पूरी कोशिश करूंगा जो जो आपकी प्रॉब्लम रहती है। वो 510 स्टेट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर यंग फेलो की क्लस्टर लेवल पर रिसोर्स पर्सन वैकेंसी निकली है, उसके लिए आप आवेदन दे सकते हैं जो कि हमारी 10 अगस्त 2020 तक के लिए है। तो इसके लिए आप पूरे इंडिया से किसी भी स्टेट से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये तो हमारी पहली बात थी, स्टेट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर की नंबर ऑफ पोस्ट 10 है जिसकी आप दे सकते हैं। यहाँ पर 55,000 से लेकर 55,000 सैलरी रहेगी, एज जो रहेगी 30 से 55 रहेगी क्योंकि इसमें एक्सपीरियंस। इसकी एज क्वालिफिकेशन की बात करें, पोस्ट ग्रेजुएट इन इकोनॉमिकल रूरल डेवलपमेंट, रूरल मैनेजमेंट, पॉलिटिकल साइंस, सोशल साइंस, सोशोलॉजी, सोशल वर्कर डेवलपमेंट स्टडी एंड सिमिलर डिसिप्लिन रहेगा। दी टर्म ऑन पीजी डिग्री में भी आपको रिलैक्स केस मिलेगा, इंजीनियर ग्रेजुएट होंगे तो फ्रेंड एनी रिकोगनाइज यूनिवर्सिटी से हो सकता है। मिनिमम एकेडमिक आप स्टैंडर्ड होना चाहिए 60% मार्क इन सेकेंडरी, ठीक है, क्लास 10th आर इक्विवेलेंट 50% मार्क होंगे हायर सेकेंडरी, और यहाँ पर इक्विवेलेंस एग्जामिनेशन इन एनी डिसिप्लिन 50% मार्क होंगे ग्रेजुएशन लेवल में, ठीक है। आपको पोस्ट ग्रेजुएट 50% आपके मार्क्स होने चाहिए अबव मेंशन इन डिसिप्लिन। यंग फेलो के लिए आप दे सकते हैं जो 250 के लिए, उसकी 35,000 सैलरी रहेगी, 25 से 30 रखी गई है इनकी एज लिमिट, ठीक है। एज क्वालिफिकेशन की बात करें, सॉरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट इन इकोनॉमिक्स, रूरल डेवलपमेंट, रूरल मैनेजमेंट, पॉलिटिकल साइंस एंड सोशोलॉजी, सोशल वर्कर डेवलपमेंट स्टडीज, सिमिलर डिसिप्लिन वही जो कि मैं आपको बता चुका हूँ उससे पहले सेम रहेंगे। मिनिमम एकेडमिक आपका स्टैंडर्ड रहेगा 60% इन सेकेंडरी जो कि हाई स्कूल, इक्विवेलेंट आपके रहेंगे 50% रहेंगे जो आपके ट्वेल्थ में रहेंगे, आपके 50% डिसिप्लिन रहेंगे जो कि आपके ग्रेजुएशन में, और फिर आपने ऊपर पोस्ट ग्रेजुएट कर रखा है तो उसमें आप 50% रहना चाहिए। क्लस्टर लेबर रिसोर्स पर्सन की रहेंगे 250 वैकेंसी जिनमें 12,500 रहेंगी, ठीक है। आप नॉट एक्सीड 40 आपकी होनी चाहिए, ठीक है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप दे सकते हैं यहाँ पर रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, और SHG बैकवर्ड एंड ग्राउंड ग्रुप लीडर फॉर फाइव ईयर, आपका प्रोफेस आपका यहाँ पर रीडिंग इंग्लिश प्लस राइटिंग इन स्पीकिंग हिंदी लोकल लैंग्वेज होना चाहिए। अप्लाई ऑनलाइन विजिट नेशनल इंस्टीट्यूट के लिए आप रूरल डेवलपमेंट की वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं जो कि 10 अगस्त 2020 तक है, उसके लिए आवेदन दे पाएंगे, ठीक है। अब इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर चलते हैं, किस तरीके से हम आवेदन देंगे वो सब आपको मैं बताता हूँ। एंड आपका स्वागत है लर्निंग टाइम में। आज हम बात करें TMC रिक्रूटमेंट के बारे में जो कि 143 नर्स टेक्नीशियन की गवर्नमेंट की वैकेंसी निकली है, उसके बारे में बात करेंगे फ्रेंड। पर उससे पहले मेरा आपसे निवेदन है, आपने मेरे चैनल लर्निंग टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल लर्निंग टाइम को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाएं जिससे कि आपको लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब के बारे में पता चल सके। साथ ही मेरा इस निवेदन ये है कि इस वीडियो को एंड तक देखिए, मेरा एक पेज है फेसबुक पर जिसका नाम है सरकारी तैयारी, उसको भी जरूर लाइक करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फ्रेंड स्टार्ट करते हैं TMC रिक्रूटमेंट के बारे में जो कि आप जैसे नर्स टेक्नीशियन अदर पोस्ट की वैकेंसी निकली है, टोटल 106 वैकेंसी जिसकी स्टार्टिंग डेट आपको दे सकते हैं जो कि अब जो लास्ट डेट उन्होंने यहाँ पे अगस्त कर दी गई है, ठीक है, 7 अगस्त 2020 है, ठीक है। तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो ऑर्गेनाइजेशन है टाटा मेमोरियल सेंटर है, जॉब टाइप रहेगा सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट आप दे सकते हैं, जॉब नेम आप दे सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर मेडिकल फिजिक्स, साइंटिफिक ऑफिसर, साइंटिफिक असिस्टेंट, फार्मास्यूटिक असिस्टेंट, डाइटिशियन असिस्टेंट मेडिकल, सोशल वर्कर, हाउसकीपर, क्लिनिक साइकोलॉजिस्ट, टेक्नीशियन नर्स एंड सिक्योरिटी कम फायर ऑफिसर। तो इस तरह की वैकेंसी टोटल 106 वैकेंसी है। जॉब लोकेशन आप दे सकते हैं, लोकेशन दे सकते हैं भुवनेश्वर, बुरास कैंसर इंस्टीट्यूट, गुवाहाटी, आसाम। आपकी स्टार्टिंग डेट आपकी ऑनलाइन की थी 6 जुलाई से लेकर, तो लास्ट डेट एप्लीकेशन थी जो कि लास्ट डेट, अब उसको आप हार्ड कॉपी ऑनलाइन फॉर्म है जो कि 7 अगस्त 2020 है, ठीक है। तो उसके ऑफिशियल वेबसाइट आप मैं बता दूंगा, वहां पे आप जाके दे सकते हैं। असिस्टेंट ऑफिसर की है एक जो कि आप दे सकते हैं, सैलरी रहेगी 78,000। मेडिकल फिजिक्स की 1, साइंटिफिक ऑफिसर की 8, साइंटिफिक असिस्टेंट की 8, फार्मिस्ट की 1, असिस्टेंट डाइटिशियन की 1, और असिस्टेंट मेडिकल सोशल वर्कर की 2,
हाउसकीपर की एक, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की आपकी एक, 35,000 सैलरी रहेगी, फार्मिस्ट की 29 और असिस्टेंट की 35 आएगी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की 1, टेक्नीशियन की 14, नर्स की 66 और सिक्योरिटी कम फायर की ऑफिसर की 2, इनकी सैलरी आप दे सकते हैं 19,000, 44,000 और 35,000 रहेगी। यहाँ पे आप दे सकते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, जो क्राइटेरिया रहेगा हमारा असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, पीएचडी होना चाहिए। ठीक है, जो कि उसके पब्लिक हेल्थ, स्टैटिक हेल्थ साइंस, लाइफ साइंस और बायोटेक्निकल में होना चाहिए। ठीक है, तो ये आप दे सकते हैं, या फिर आप पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए एमडी। मेडिकल फिजिक्स में आप दे सकते हैं, आप बीएससी होना चाहिए, डिप्लोमा इन रेडियोलॉजिकल फिजिक्स होना चाहिए, इक्विवेलेंट होना चाहिए, आगे इसके बराबर कोई डिग्री हो वो। साइंटिफिक ऑफिसर में आप देते हैं बी बीटेक एंड कंसर्न डिसिप्लिन में होना चाहिए। साइंटिफिक असिस्टेंट होना बीएससी बैचलर ऑफ साइकोथेरेपिस्ट बीपीटी। फार्मिस्ट की बी फार्मा डी फार्मा होना चाहिए। असिस्टेंट डाइटिशियन का रजिस्ट्रेशन एंड डाइटिशियन होना चाहिए विद एमएससी फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन और या फिर एमएससी क्लिनिकल न्यूट्रिशन डाइटिस होना चाहिए। असिस्टेंट मेडिकल सोशल वर्कर आप पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन सोशल साइंस एमएसडब्ल्यू। हाउस कीपर बीएससी इन होटल मैनेजमेंट। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट में एमए होना चाहिए, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और इक्विवेलेंट होना चाहिए। टेक्नीशियन आपका 12 पास होना चाहिए। नर्स आप जनरल नर्सिंग मेडिवरी प्लस डिप्लोमा इन ऑनकोलॉजी नर्सिंग या बेसिक या पोस्ट ग्रेजुएट बीएससी नर्सिंग होना चाहिए। यहाँ पे देखिए सिक्योरिटी कम फाइव डिग्री होनी चाहिए उसके पास। यहाँ पे ये सब आपको मैंने एजुकेशन क्वालिफिकेशन असिस्टेंट की आपकी एज लिमिट दे 45 होना चाहिए। मेडिकल ऑफिसर साइंटिफिक ऑफिसर की 35, टेक्नीशियन की 27, ऑल पोस्ट की 30 रहेंगी। ठीक है, और आपका एज रिलेक्शन रहेगा जो कि आपकी आपके गवर्नमेंट के रूल के अनुसार रहेंगे। यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं, आपके रिटन टेस्ट होगा या इंटरव्यू या स्किल टेस्ट होंगे। ठीक है, तो मोड एप्लीकेशन ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों रहने वाला है, इसके दोनों पे आप आवेदन दे सकते हैं। एप्लीकेशन फी की बात कर ले, ऑल कैंडिडेट यहाँ पर आपकी 300 रहेगी, नो फीस फॉर एसटी एसटी और फिजिकल हैंडीकैप्ट वालों के लिए रहेगी। यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट के लिए एग्जाम से कोई फीस देने जरूरी नहीं है, तो आपको पेमेंट ऑनलाइन करना होगा। इसकी वेबसाइट है tmc.government.in पर जाके हम आवेदन दे पाएंगे। अब इसकी मैं ऑफिशियल वेबसाइट पर लेके जाता हूँ, आप दे सकते हैं हम टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल की ऑफिशियल वेबसाइट पे किस तरीके से फॉर्म को भरेंगे। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था, तो देखिए ऑफिशियल वेबसाइट पर है। ठीक है, यहाँ पे आप दे सकते हैं इसमें से किसी भी एक पोस्ट को आप सिलेक्शन जिसके लिए आप अप्लाई देना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसके बाद आपको व्यू पीडीएफ भी दे सकते हैं, कम इधर है अभी। ठीक है, यहाँ पे आप दे सकते हैं हाउ टू अप्लाई न्यू एप्लीकेशन अपडेट एप्लीकेशन सबमिट एंड प्रिंट आ रहा है और साइन आउट आ रहा है। तो ठीक है, हाउ टू अप्लाई पे आके आप दे सकते किस तरीके से आवेदन न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। ठीक, यहाँ पर आपका आ जाएगा जिस आपने सेलेक्ट किया होगा उसके लिए, तो आप जिस एडवर्टाइजमेंट पे नंबर पे क्लिक करना है, यहाँ पे पोस्ट का नाम बताना है, यहाँ पे आप किस कैटेगरी के लिए आप बिलोंग करते हैं यहाँ पे बताना है। ठीक है, ओपन रिजर्व यहाँ पे आपको बताना है कि ये तो आपको सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक, एस सी एस टी जिसमें से है, पासवर्ड आपको क्रिएट करना है, यहाँ पे आपको टाइटल देना है मिस्टर एंड मिसेस जो भी है। ठीक है, यहाँ पे आप सर्टिफिकेट बताना है आपका किस कास्ट सर्टिफिकेट इंक्लोज करते हैं नहीं करते, नॉन क्रीमी लेयर से है कि नहीं है, फिजिकल हैंडीकैप है या नहीं, तो ये सब बताना है। लास्ट नेम आएगा, मिडिल नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, यहाँ पे आपको डीओबी बताना है। ठीक है, मैरिटल स्टेटस बताना है, शादीशुदा है या नहीं है। ठीक है, आपका रिलीजन बताना है, ईमेल बताना है, यहाँ पे आपको माता या पिता का नाम या फिर अपनी जो रिलीजन रहेगा वो यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे कैप्चा भर देना है। ठीक, यहाँ पे आप एम्प्लॉई हैं, किस टाइप की एम्प्लॉई यहाँ पे बताना है। ठीक, कोई एक सर्विस मैन है या नहीं ये बताना है, इसके बाद आपको यह फिलअप कर देना है। तो इसके आपको मैं हाउ टू अप्लाई में दिखाता हूँ किस तरीके से हम अप्लाई करेंगे, वो उसकी डिटेल इसमें देख सकते हैं, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, इसकी पूरी डिटेल दे रखी है यहाँ पे। जैसे आप सेव करेंगे नेक्स्ट आपका स्टेप आ जाएगा जो कि मैंने दिखाया था, एजुकेशन का आ जाएगा। आप एजुकेशन सिनेरियो पे आएगा, आपको एजुकेशन आपको भरना पड़ेगा, करंट एम्प्लॉई डिटेल भरनी पड़ेगी। ठीक है, तो स्क्रीन 3 पे आप दे सकते हैं प्रोफेशनल आपका एक्सपीरियंस आएगा, ऐड अप करना पड़ेगा, तो आप यहाँ से देख सकते हो। फिर उसके बाद आपको 14 नंबर पे यहाँ पे आप देख पाएंगे, यहाँ पे आपको प्रिंट आउट कर लेने का एप्लीकेशन फॉर्म का सबमिट प्रिंट आएगा, वो कर सकते हैं, पेमेंट स्क्रीन आएगी। इस तरीके से आपकी सारी डिटेल रहेंगी जो कि आप यहाँ से भी जान सकते हैं किस तरीके से एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हैं। तो ये थी डिटेल जो कि मैंने आपके साथ शेयर करी। आई होप आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया, तो प्लीज मेरे चैनल एनी टाइम को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।